Xiaomi 12 Pro अगर आपके पास डिवाइस है तो इसके पास के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जिसका वर्जन 1.0.6.0 का जो है वो देखने को मिलता है। इस अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि अपडेट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कई कमेंट्स मेरे को मिले जिसमें बोला गया कि इसके अंदर ग्रीन लाइन का भी इशू वगैरह यहाँ पर आया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स आएगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी इस डिवाइस की रिगार्डिंग, एंड टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो पर देख सकते हैं इसका वर्जन जो रिलीज हुआ, इसका वर्जन है 1.0.6.0 ULBINXM वर्जन है। 66 MB का अपडेट साइज आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है। इस अपडेट का और भी आपको मैं चेंज लॉग यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो ये आप चेंज लॉग यहाँ पर देख सकते हैं इस अपडेट का, जिसमें वर्जन वही है 1.0.6.0 और 66 MB का अपडेट साइज आपको देखने को मिल जाता है। इस अपडेट में मात्र एक चीज मेंशन करी हुई है कि अपडेट दी सिक्योरिटी पैच टू सितंबर 2024, यानी कि जो सिक्योरिटी पैच जो है आप सभी को जो है सितंबर 2024 का ऐड कर दिया गया है। पहले शायद अगस्त का था, तो अब सितंबर का सिक्योरिटी पैच जो है वो ऐड कर दिया गया है। साथ में जो है ना सिस्टम सिक्योरिटी को जो है इंप्रूव कर दिया गया है, जिसे आपको एक वह सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इस अपडेट के अंदर मिलने काम किया है। तो ये अपडेट जो है आप सभी के लिए यहाँ पर रिलीज हो चुका है। इस अपडेट में कोई भी खास यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलते सिवाय सिक्योरिटी पैच को छोड़ के, तो नया सिक्योरिटी पैच जो आप सभी के लिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आपको अपडेट करना है तो आप लोग जो है इसको अपडेट कर सकते हैं, अपडेट आ चुका है। रही बात क्या है यहाँ पर ग्रीन लाइन का इशू आ जाएगा, क्योंकि इसका जो इशू है ना वो देखो क्या है कि अपडेट करने के बाद भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स के फोन्स में, जिनके अंदर अपडेट नहीं भी किया जा रहा है तो भी ग्रीन लाइन का इशू आ जा रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कुछ यहाँ पर कन्फर्म जो है किसी को भी नहीं पता है। तो देखो क्या है कि अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, इसको अपडेट करना है तो आप अपडेट करिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा, टोटली आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपके डिवाइस में ग्रीन लाइन का इशू आ चुका है तब तो आप रहने ही दीजिएगा, अगर नहीं आया है तो भी आप थोड़ा रिस्क लेके इस अपडेट को कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अपडेट करते ही जो है आपको जो है ग्रीन लाइन का इशू मिल जाएगा, वो हो सकता है अपडेट ना भी करो तो भी आ जाएगा, करो तो भी आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास इसका सब्सक्राइबर भी है जिन्होंने ये अपडेट कर रखा है, उनके डिवाइस में तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, उनका डिवाइस बिल्कुल यहाँ पर सही चल रहा है। तो कुछ कुछ यूनिट्स में प्रॉब्लम होगा, कुछ यूनिट्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, मेजोरिटी में तो प्रॉब्लम अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप सोच समझ के थोड़ा अपडेट करिएगा, बाकी यही आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर नया अपडेट वगैरह आ चुका है। फ्यूचर में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिवाइस की रिगार्डिंग तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।